हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। देखो 4.2 का टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन है, कोई सा भी हम इक्वेशन ले लें, एक्स माइनस वाई इक्वल सिक्स, मान लो ये टू वेरिएबल इक्वेशन है, हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको एक्स और वाई की ऐसी क्या वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, यानी कि जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखो इधर, हम यहाँ से केवल सिंगल या तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे या वाई की वैल्यू निकालें, तो माइनस का वाई उधर जाएगा तो प्लस का। अब आप यहाँ पर वाई की वैल्यू रियल नंबर में से वाई की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ तो उससे एक्स की वैल्यू आती जाएगी। अगर मैंने 1 रखा, 7, 2 रखें y की जगह, 8, 3 रखें, 9, तो इस तरह से माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, यानी रियल नंबर में से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी नंबर्स आ सकती है। तो इसी रीजन से ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी तक मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए, टू वेरिएबल्स के लिए आपसे उसके सॉल्यूशन पूछे कि कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो आप आंसर क्या लिखोगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप एक्सरसाइज 4.2 निकालें। 4.2 में यही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। 4.2 एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन दे रखा है 3x + 5, और तीन ऑप्शन गिवन है, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हमें पता है यूनिक का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, उसका वो कहना चाहता है कि आपके सब वन ही सॉल्यूशन आएगा, नहीं, बहुत सारे आ सकते हैं, टू आ सकते हैं, नहीं टू से भी ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे आ सकते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, लिख देंगे कि इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये ट्रू है, यहाँ लिख देंगे ट्रू। किसके लिए ट्रू होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ट्रू फॉर मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल था, इसको आप नोट कर लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन नंबर 2 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही आपको आना चाहिए। राइट फोर सॉल्यूशन, आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ऐसे लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन आपको कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, ओनली टू सॉल्यूशन, 2x + y = 7। देखो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपका इसका आंसर मैच हो। आंसर मैच नहीं भी हो सकता, क्योंकि आंसर इनफाइनाइट है, तो हम सब अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब जैसे मेरे अकॉर्डिंग देखो आप, मैं यहाँ पर y की वैल्यू इजीली निकल रही है, क्योंकि y के आगे कुछ भी नहीं है, तो प्लस का 2x, उधर जाएगा तो माइनस का। यहाँ पर आपको ओनली 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आप x की वैल्यू पुट करते जाएं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, या -1, -2, -3। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, x इक्वल क्या पुट कर रहा हूँ मैं, 0, 7, यह मल्टीप्लाई का साइन होता है बीच में, 2 × 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 0, तो कितना आ गया, 7। तो एक आंसर तो ये आ गया। कोऑर्डिनेट में पहले x लिखेंगे और बाद में y की वैल्यू, तो एक आंसर तो ये हो गया। अब x इक्वल 1 पुट करें, y 7 2 × 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तो कितना आ गया, 5।
यानी कि हमने 1 पुट करा तो आंसर क्या आ गया 5। फिर x की जगह हम 3 पुट करें तो x की जगह 3 लिखेंगे तो 3 टू जा 6 यानी कि 1, तो आंसर आ गया 3 पर कितना आ गया 1। तो एक सॉल्यूशन ही आ गया, x की जगह 4 पुट कर दें, हमने 2 पुट नहीं करा कोई बात नहीं 4 कर दिया, तो 7 - 2 × 4। मैंने बोला ना हमारी मर्जी पड़े जो वैल्यू हम पुट करेंगे, आप 2 भी पुट कर सकते हो, 5 भी पुट कर सकते हो, जो आपको लगे सूटेबल वो आप वैल्यू पुट कर दें। इस तरह से हम 4 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब ऐसे ही हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो पाई की फॉर्म में है। इसका थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसको आप ट्राई करना, उसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है वाई की जगह और एक्स की वैल्यू आती जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। देखो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9, यहाँ भी देखो एक्स के आगे तो पाई आ रहा है, वाई के आगे कोई सी नंबर नहीं आ रही, तो हम वाई के लिए सोल्व कर लें। प्लस का पाई एक्स उधर जाएगा तो माइनस का, तो आप वैल्यू रखें एक्स की जगह 0 पुट करें 9 पाई मल्टीप्लाई 0, पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आंसर क्या आ गया 9। तो 0 और क्या आ गया 9, एक आंसर तो ये हो गया। अब आप वाई की जगह 1 पुट करें, सॉरी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो y इक्वल 9, x की जगह हम 1 रखेंगे, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, तो दूसरा आंसर आ गया 1 और 9 माइनस पाई। फिर हम x की जगह 2 पुट करें, तो जहाँ x आ रहा है उसकी जगह 2 पुट करें, 9 पाई मल्टीप्लाइज 2, तो ये आ गया 2 पाई, तो इसका आंसर आ गया 2 और 9 माइनस 2 पाई। फिर हम x की जगह 3 पुट करें, तो देखो इधर x की जगह 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू, x की जगह 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास पाई इंटू 3, 9 माइनस 3 पाई, तो आंसर आ गया 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरह से 4 सॉल्यूशन आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस तरह से ही करना है आपको। मैं अब आपको अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम टू सेम x इक्वल 4y इस तरह से सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे।